कथा उसके लिए करेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है. उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, तो क्यों अपने लाइफ को इतनी चैलेंजिंग बनाना है तुम्हें? अच्छे तरह से जियो, यू नो, नए लाइफ पार्टनर के साथ. और ऐसा नहीं कि मैं कथा को पसंद नहीं करती, मैं ये बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि कथा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन शी इज़ नॉट द राइट लाइफ पार्टनर फॉर यू. ट्रू, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो दूर हुई हैं, लेकिन एक माँ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अपने बेटे के लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढे. या तो मैं तो इस सीन में एक्चुअली मैं अपने बेटे को एक माँ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कथा उसके लिए करेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, बहुत बैगेज लेकर आ रही हैं. तो व्यान को चाहिए कि अपना लाइफ अपने लाइफ पार्टनर के साथ नए सिरे से एक फ्रेशली शुरू करें, विदाउट एनी बैगेज. एक नया रिलेशनशिप जो है, जो दोनों के लिए, मतलब उसके और उसके लाइफ पार्टनर के लिए नया होगा और एक्साइटिंग होगा, क्योंकि एक सिंगल मदर के साथ एक बहुत वो एक परसेप्शन होता है कि उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, तो क्यों अपने लाइफ को इतनी चैलेंजिंग बनाना है तुम्हें? अच्छे तरह से जियो, यू नो, नए लाइफ पार्टनर के साथ. लास्टली, आपको क्या लगता है, आपके इस नज़रिए को क्या व्यान समझ पाएगा, या क्योंकि वो उसके ऑलरेडी वो दिमाग में कथा को लेकर काफ़ी सारे फीलिंग्स जो है बन चुकी है उसके? एब्सोल्युटली, उसने एक्चुअली प्रपोज भी कर लिया है कथा को, और उसके बाद ठीक बाद उसकी मम्मी ने ऐसा कुछ बोला है कि कथा को मैंने कह दिया कि तुम्हारा और उसका कभी नहीं हो सकता, तो वो चौंक गया है और वरिड हैं कि अब आई एम श्योर उसके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ओह नो, अब एक नया यू नो हर्डल आ गया है लाइफ में, अभी मैं अपनी मम्मी को कैसे समझाऊं.
क्योंकि वो तो आगे बढ़ना चाहता है कथा के साथ और देख भी रहा है कि कथा भी सॉफ्ट हो गई है व्यान की तरफ, तो अभी ये एक ऑब्स्टिकल नया आ गया है कि मम्मी ने मना कर दिया है बिल्कुल भी इस रिश्ते से। और ऐसा नहीं कि मैं कथा को पसंद नहीं करती, मैं ये बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि कथा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन शी इज़ नॉट द राइट लाइफ पार्टनर फॉर यू।